देखो हमारा यहाँ पे ना पहला क्वेश्चन है, यदि मास, ये ना मास हमें दे रखा है, एचसीएफ होता है, ठीक है ना। तो हमें एचसीएफ दो संख्याओं का 12 दे रखा है, तो बोल रखा अगर इन दो संख्याओं का लसव 12 है तो इनका लसव क्या होगा, ठीक है। तो यानी इफ एचसीएफ दे रखा है 12 तो फाइंड करना एलसीएम। तो पहले ना तुम क्या करोगे, जैसे कि तुम्हें ये 252 दिया है ना, तो पहले इसका फैक्टर कर लो, 2 × 2 = 6, 2 × 12 = 12, 2 × 6 = 12, 2 × 12 = 6, फिर 3 × 21, 3 × 21 = 21 के साथ हो रही है ना। तुम्हें आता है ना ये तो फैक्टर करना, प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं इसको। 2 × 2 = 330, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 3, 3 × 3 = 15, 3 × 5 = 15, फिर 5 × 5 = 55, ठीक है ना। तो क्या आ रहा है 252 का, क्या आ रहा है, तो 252 का आ रहा है 2 × 2 × 3 × 3 × 7, और तुम्हारा 660 क्या आ रहा है, 2 × 2 × 3 × 5 × 11। तो देखो 2 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो एस सी एफ क्या होता है, जो मिल रहा है 2 2 और 3, तो 2 × 2 = 12, और पर्सन में कहा था ना 12, और एलसीएम निकालना है। एलसीएम पता है कैसे निकालते हैं, ये दो इन इन इसमें दो 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 बार है ना, 2 की पावर 2, 3 2 बार है ना, 3 की पावर 2 गुना 7 की पावर 1, और ये दो बार है तो 2 की पावर 2, 3 1 ही बार है तो 1, और 5 भी 1 और 7 भी 1। देखो अब बताओ 2 की पावर 2 में, ये 2 की पावर 2 में 2 की पावर 2 में 11 है ना, 3 की नहीं है, ऐसे 11 है। देखो ये 3 लिखा था, ये रहा। देखो अब ना 2 की पावर 2, ये भी 2 की पावर 2, तो दोनों में ना जो बड़ा होता है ना वो लेते हैं। जैसे मान लो ना ये 2 की पावर 3 होता है, तो दोनों में से जो बड़ा होता है ना वो लेते हैं, लेकिन दोनों ही सेम है तो हम एलसीएम में 2 की पावर क्या ले लेंगे, 2। अब 3 की पावर ये 1 है और 3 की पावर 2 है, दोनों में बड़ा कौन है, 3 की पावर 2, जो बड़ा है ना आप वो ले लो। फिर ना ऐसी ये 5 की पावर में कोई बड़ा है दोनों में से, तो अकेला ही है, तो यही हो गया ना, और 7 भी अकेला है और 11 भी। अब मैंने गुना कर दो, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, तो 3 × 2 = 9, 2 × 2 = 4, 5 × 7 = 35 × 4, तो 4 × 9 = 36, और 3511 से गुना करो 385, ठीक है ना। अब इन्हें गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो या तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो एक और फॉर्मूला होता है, 3 × 2 = 6 होता है ना, हाँ पे 3 का स्क्वायर है ना ये, तो 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 9, ठीक है। अब इसे गुना कर दो 385 × 36 से आंसर आ जाएगा, तो गुना तो कर ही लोगे, आ जाएगा आंसर। मैं ये बता रहा था ना कि एक तो ये तरीका होता है एलसीएम निकालने का, एक और तरीका होता है जिससे हम एलसीएम निकाल सकते हैं, तो वो वाला जो तरीका होता है अब वो बता देता हूँ। अब देखो ना एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र, अब वो सूत्र याद कर लो आप। तो सूत्र क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, तो वो फॉर्मूला होता है एचसीएफ और गुना एलसीएम, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई। तो मैं दो संख्याएं क्या थी, 252 और 660, और तुम्हें क्या निकालना था, एचसीएफ, एचसीएफ 12 दिया हुआ था, और क्या निकालना था, अभी मल्टीप्लाई में ना 12, ये कहाँ जाएगा, ये बटे में आ जाएगा ना, तो इसको बटे में ले आओ 12, देखो 12 से कट जाएगा, 12 × 5 = 60, अब ना 252 को किससे गुना कर दोगे, 55 से, तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल वही आएगा जो पहले आ रहा था, ठीक है ना। तो एक ये भी क्या होता है, एक तरीका होता है करने का, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 13860, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें कह रहे ना कि के किस मान के लिए इस समीकरण और इस समीकरण के संपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। संपाती रेखाएं क्या होती हैं, इंग्लिश में कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू द इक्वेशन, ये जो दो इक्वेशन है ना, के किस मान के लिए रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है कि जैसे ग्राफ बनाते हो ना, तो एक ही लाइन के ऊपर एक और लाइन, ठीक है, तो इसके बहुत सारे हल होते हैं, और इस केस में ना ऐसा होता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो तुम्हें ये जो दो इक्वेशन दी हुई थी ना, तो उसमें तुम्हें a1 मिल जाता, b1 मिल जाता, और क्या मिल जाता, ऐसे दूसरे इक्वेशन से a2 b2 क्या मिल जाता, हाँ a2 b2 c2 मिल जाता ना। तो a1 देखो कहाँ है, 3, तो क्या लिख देंगे, और ये y के साथ क्या गुना है, कुछ नहीं ना, तो माइनस का निशान है, तो -1, मतलब क्या आ जाता है, माइनस का। फिर c1 निकालते हैं ना, तो ये प्लस का 8,
ऐसे दूसरे क्वेश्चन में छह है ना इसके साथ, तो ये छह हो जाता है, या माइनस किए ना तो माइनस उसका ये हो जाता है, ये माइनस सोलह है ना, इधर आ क्या हो जाता है प्लस का सोलह, नहीं हो जाता जैसे बराबर माइनस सोलह है ना, इधर आके प्लस का सोलह। अब तुम बटे में, अब तुम बटे में रख के का मान निकाल लो, तीन बटे में छह माइनस एक बटे में माइनस के, और ये आठ बटे में सोलह, तो तीन से कटेगा तीन छह, तो एक बटा दो, और ये माने माने कट जाएगा एक बटा, और ये भी कट जाएगा तो एक बटा दो। अब ना दो इससे कर लो, एक बटा दो बराबर एक बटा के, बस इसी को सोल्व कर दो तिरछा, तो के कम के और दो एकम दो, तो के का आंसर क्या आ जाता है, नहीं तो इसको भी सोल्व कर लेते, एक बटा के बराबर एक बटा दो, तिरछा गुना करते ये भी के बराबर दो आ जाता, ठीक है ना। तो करते नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 18 है, 18 फिर 15 और हाफ फिर 13 ऐसे ऐसे चल रहा है, और आखिरी में लिखा है माइनस का 47, तो इसके पदों की संख्या ज्ञात करो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन एपी, हमें नंबर ऑफ टर्म पता करना है, यानी एन निकालना है, क्या निकालना है, और जो एपी दिया हुआ है इसमें प्रथम पद कितना जाएगा 18, प्रथम पद कितना जाएगा, इसे फर्स्ट टर्म कहते हैं। अब डी पता है कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद, तो यानी 15 सही एक बटे दो में से घटा दोगे 18, तो इसको तुम पहले खोलो, दो 15 दिन 30 और 31 बटे दो, और ये 18 बटा एक ले लोगे, एलसीएम लोगे दो एक का दो आ जाएगा, तो ये 31 ही रहेगा, और ये 18 दिन माइनस 36 हो जाएगा, 36 में से 31 गया माइनस 5 बटे दो, तो माइनस 5 बटे दो आ जाएगा। तुम्हें डी भी पता चल गया, ए भी पता चल गया, एन भी पता चल गया, और जो आखिरी में लिखा रहता है ना ये, तो इसे ए एन कहते हैं, क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म अंतिम पर, तो तुम्हें माइनस 47 भी दे दिया। अब ए एन का फॉर्म लगा दो बस, ए प्लस एन माइनस वन और डी, तो ए एन की जगह माइनस 47 बराबर ए, ए की वैल्यू जाएगा 18 और प्लस एन माइनस वन, और डी हमें दिया था माइनस 5 बटे दो, ब्रैकेट लगा दो इसी, अभी प्लस का 18 इधर आके माइनस का 18 जाएगा, और माने माने प्लस जाएगा, दोनों जोड़ दो, 8 7 15 का 5, 80 ले 4 1 5 और 1 6, माइनस 65 हो रहा है, और एन घटा 1, और ये गुणा में क्या चल रहा है माइनस 5 बटे 2, समझ गए ना। देखो ये जो तिरछी गुना में है ना, तो ये जो बटे में 2 है ना, ये ऊपर 65 से गुना हो जाएगा इस साइड आकर, और जो मल्टीप्लाई में ना माइनस 5 वो बटे में आ जाएगा, बचेगा यहाँ एन माइनस वन। अब देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से काटोगे 13 बार में कट जाएगा, 5 और 5 5 15 13 दूनी 26, तो क्या आ जाएगा ये 26 बराबर एन माइनस वन, ये माइनस का वन इधर क्या हो जाएगा, तो आपके एन के अंदर क्या जाएगा 26 और 1 27 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, 6 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात करो, 6 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल ज्ञात करो, हमें ना 6 के ना जो पहाड़ा होता है ना 10 तक, तो उन सबको जोड़ निकालना है, तो हमारा एपी बन जाएगा 6 के गुणज का, 6 के बाद क्या बनेगा 12, 12 के बाद 18, 18 के बाद 24, 20, ऐसे आपको कहाँ तक करना है 10 पदों तक का करना है ना, तो ये सबका तुम्हें जोड़ निकालना है, यानी ऐसे निकालना है, तो एसएन तुम्हें निकालना है, यानी 10 पदों का जोड़ निकालना है, प्रथम पद 6 हो जाएगा ना, सोचो सर्वांतर भी तो 6 ही होगा, 12 में 6 गया 6, और एन की वैल्यू क्या हो जाएगा 10, और तुम्हें एस एन का फॉर्मूला आना चाहिए ताकि एस 10 निकल जाए, तो फॉर्मूला क्या होता है, एन बटा दो टू ए प्लस एन माइनस वन और डी होता है ना फॉर्मूला, तो एस एन यानी एस 10, तो 10 बटा दो एन की जगह 10 लेंगे ना, दो गुना ए का मान 6, फिर एन की जगह 10 घटा 1 और डी का मान 6, तो ये 2 से कर जाएगा 5, 6 दुनी 12 जमा 10 में से क्या 9, और 9 गुना 6 9 छी 54, और 54 को हम 12 में जोड़ेंगे कितना आएगा सोचो 66 गुना कर दो 6 पच्चे 30 का 0 हासिल की 36, तो 330 आंसर जाएगा, ठीक है ना। ये अगला क्वेश्चन है कि ये बहुत ही थोड़ा अनोखा क्वेश्चन आ गया है इस बार, लिखा है यदि 65 और 117 के मासों को 65m घटा 117 के रूप में दर्शाया जा सकता है तो m का मान ज्ञात करो, यानी तुमने 65 और 117 का जब एचसीएफ निकाला था तो आना कुछ चाहिए, लेकिन आया इस रूप में, तो इस रूप में जब आया तो इसमें ना ये m का मान क्या गुना है 65 के साथ, m का मान 1 है या 2 है या 3 है, और उसमें से 117 घटाया है ना, वही आंसर होगा एचसीएफ। तो इफ एचसीएफ ऑफ
is expressed in the form of this, find the value m. तो पहले क्या करेंगे ना कि हम 65 का फैक्टर कर लेंगे, ठीक है ना, 5 का 5, 5 या 15, 13 का, फिर 117 का करोगे फैक्टर 3 से, 3 के पढ़े में आता है 3 × 9 = 27, फिर 3 से करोगे 3 × 3 = 3, फिर 3 से करोगे 13 × 13, सॉरी 13 से, फिर 65 का क्या मान आ रहा है 5 × 13, और 117 का क्या मान आ रहा है 3 × 3 = 13, दोनों में कॉमन 13 हुआ ना, तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट 13 कॉमन फैक्टर, तो कितना हुआ 13 हुआ ना, मस्त महत्तम एचसीएफ 13 आ गया, तो 13 आया तो तुम्हें तो 13 की जगह एचसीएफ इन्होंने क्या लिख के दे दिया 65 एम घटा माइनस, तो तुमने अगर एम का मान 2 रख लो, माना एम का मान हमने क्या रख लिया 2 रखने पर, तुम अब यहाँ पे 2 पुट करके देखो तो 65 × m की जगह 2 रखोगे तो 65 × 2 = 130 हो जाएगा ना, और 130 में से 17 घटाओगे 13 आ जाएगा ना, और चेक करो एचसीएफ भी तो 13 ही आया है, तो हमारा बताओ एचसीएफ 13 मैच हो रहा है, इसका मतलब m की वैल्यू क्या हुई 2, तो लिख देंगे m बराबर 2 आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत एग्जाम में आता है, दर्शाइए कि कोई धन समपूर्णांक, तुम्हें धन और समपूर्णांक, पर पूर्णांक दो होते हैं, एक सम और एक विषम, सम कौन होते हैं जो दो के पाड़े में आते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 जो दो से डिविजिबल हो जाते हैं, तो कह रहा है कि एक धन समपूर्णांक दर्शाइए कि कोई भी धन समपूर्णांक 6m या 6m + 2 या 6m + 4 के रूप में होता है, जहां पे m कोई पूर्णांक है, ठीक है, इंटीजर है, पूर्णांक क्या होता है कि एक नंबर लाइन होता है ना, तो नंबर लाइन पर हम जितनी भी संख्याएं इस तरफ इस तरफ प्लस की लिखते थे ना और इस तरफ माइनस की, तो जितनी भी संख्याएं लिखी जाती है ना ये पूरी पूरी, तो उन्हें पूर्णांक कहते हैं, बटे बटे वाली नहीं, सीधा पूरा, दो है तो दो, ढाई वाई नहीं चलेगा, ठीक है। तो कह रहा है दर्शाइए कि कोई धन समपूर्णांक 6m या 6m + 2 या 6m + 4 के रूप में होता है, जहां पे m कोई पूर्णांक है, सो दैट द एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m और 6m + 2 और 6m + 4 वेयर m इज सम इंटीजर। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि माना m, माना ऐसे लिखेंगे, माना माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, पहले हम पूर्णांक मान लेंगे कि let a is any positive integer, कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, चाहे वो इवन हो या वो ओड हो, और इसमें ना तुम्हें b की वैल्यू तुम्हें दे रखी है m, b की वैल्यू क्या दे रखी है सॉरी b की वैल्यू ना यहाँ पे तुम्हें 6 दे रखी है, तो यहाँ पे 6 लेना है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में ना जैसे ये 6 लिखा है ना, ये 6 लिखा है, ये 6 लिखा है, तो ये तुम्हारा b की वैल्यू होती है, तो तुम्हें अब एक फॉर्मूला आना चाहिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये तुमने कौन से लेसन पढ़ा याद है, हाँ, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम, इसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि a बराबर bq + r होना चाहिए, जहाँ r की वैल्यू ना 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, और बराबर 0 भी चलेगी, ठीक है, और किससे छोटी होनी चाहिए, b से, बराबर नहीं चलेगा, ठीक है ना, तो ये चीजें ध्यान रखना है। तो बताओ अगर b का मान अगर 6 है तो r का मान 6 से छोटा होगा, तो r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3, 4, 5 और 6, और b का मान क्या लेना है 6, तो a बराबर अब क्या क्या निकलेगा, अगर हम b की जगह 6 ले लें, तो जैसे मैंने यहाँ q लिखा था ना, तो q की जगह तुम्हें अब m लेना है, क्योंकि पर्सन ने क्या बोला था, तो तुम्हें q की जगह m लेना है, तो तुम्हारा हो जाएगा a बराबर 6m जमा r की वैल्यू 0 लिख लो एक बार, फिर 6m जमा 1 लिख लूँ, फिर 6m जमा r की जगह 2 लिख लूँ, 6m + 3, फिर 6m + 4 और आखिरी का 6m + 5, क्योंकि 6 नहीं लेना है, क्योंकि बताया ना मैंने रेडियस से कम होता है, तो यानी a का मान क्या आ रहा है, क्या क्या पूर्णांक आ रहा है, तो 0 जोड़ने पे 6m रहेगा, फिर 6m + 1, 6m + 2, 6m + 3, फिर 6m + 4 और 6m+, अब तुम सोचो यहाँ पे ना तुम m का कोई भी मान रख के देखो, m का कोई भी मान रख दो, कोई भी, बच्चा कहता है 1 रख दो, तो 6 + 6 = 6 आता है ना, दो के टेबल में, तो ये इवन हुआ ना सम, ऐसे तुम 2 रखो तो 6 × 2 = 12, 12 भी 2 के पाड़े में आता है, 3 रखो 3 × 18 भी 2 के पाड़े में आता है,
तो जैसे ये हमेशा सम रहेगा तो इसी तरह ये भी सम रहेगा, क्योंकि दो जोड़ने पर भी सम हो जाएगा। मान लो m का मान 5 रखते हो, 5 6 30, 30 2 32, 32 भी 2 के पाड़े में आता है, ऐसे ये। तो कहने मतलब एक ये और एक ये तीन कौन है, सम है, और बाकी ये जो तीन बचे वो कौन है, विषम। तो मैं लिख दूंगा ना कि यहाँ 6m प्लस 1 और 6m प्लस 3 और 6m प्लस 5 एक क्या है, तो धन विषम पूर्णांक है, धन विषम पूर्णांक है, ठीक है ना। तो अतः क्या बच गया, अतः 6m 6m प्लस 2 और 6m प्लस 3 4 क्या लिख देंगे, सम धनात्मक पूर्णांक है। यही प्रूफ करना था ना कि सम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। यानी लिख देंगे सो 6m 6m प्लस 2 6m प्लस 2 6m प्लस 4 इज एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर, सही है। तो इस प्रकार से ये हमें करना है, समझ में आ गया सबको। एक समांतर श्रेणी 3 8 13 ऐसे ऐसे दे रखा है, और कितने तक 253, यानी तुम्हें एक एपी दे रखा है 3 8 13 डैश, और आखिरी टर्म कितना दिया है 253। इसमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो, यानी अब लास्ट से तुम्हें लास्ट से 20 टर्म निकालना है। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो लास्ट से निकालना है। ये तो आगे से चल रहे हैं ना, अब पीछे से निकालना है। अब सोचो आगे से चल रहे हैं तो 5-5 बढ़ रहा है ना, तो अगर हम विलोम एपी बना दें, क्या बना दें, यानी रिवर्स एपी, क्या बना दें, रिवर्स एपी, हम पीछे से बना दें, तो ये जो आगे था ये लास्ट में चला जाएगा, और ये जो लास्ट वाला है वो कहाँ जाएगा, समझे ना। हम ना बस सीरीज को उल्टी कर रहे हैं, जैसे ये 3-3-3-5-5 बढ़ रहा था ना, हम इसको घटा के ले आएंगे, तो एपी क्या बन जाएगा 253, फिर 5 कम करने पे क्या जाएगा 248, फिर 5 कम करने पे 200, और ऐसे ऐसे चलते चलते एक समय ऐसा आएगा कि आखिरी में क्या जाएगा 3 आ जाएगा। अब ये हमारा हो जाएगा प्रथम पद, कितना जाएगा, फिर सर्वांतर कितना जाएगा, इसमें से ये घटाओगे -5, और एन कितना जाएगा, और एन आई एन ये आखिरी में क्या लिखा होता है, इसे लास्ट टर्म एल बी कहते हैं। तो तुम्हें ए एन या एल बी पता चल गया 3 है, तुम्हें बस एन निकालना है, और पहले एन निकाल लो, या फिर तुम्हें 20वां पद निकालना है सीधा, क्या निकालना है 20वां पद, तो सीधा तुम 20वां पद भी निकाल सकते हो। 20वां पद निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस 19d, ए प्लस, तो ए का मान हो जाएगा 253 प्लस 19 गुना डी का मान -5, तो 19 बचे कितना होता है नहीं पता, गुना कर ले 5 × 45 का 5 ऐसे 4 × 5 = 95, इसको घटा दिया तो 253 में से 95 घटाओ, 253 में से 95, तो इधर से हासिल लो 13, 13 में 5 गया 8 और ये 4 है, तो इधर से हासिल लो 14 में 9 गया 5 और 1 158 आंसर आ रहा है। या तो इतना ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, या फिर अब ऐसे करना पड़ेगा, पहले एन निकालो, एन निकालो तो ए प्लस एन माइनस 1d, तो ए का मान हो जाएगा 3, ए का मान हो जाएगा 253 और प्लस एन हमें नहीं पता गुना डी, डी का मान माइनस, अब तुम्हें ये जो प्लस का है ना 253 इधर आकर माइनस करना होगा, तो 3 में से 253 माइनस करना होगा और एन घटा 1 और गुना -5, तो ये कट जाएगा, घट जाएगा ना जब, तो 250 आ जाएगा, और ये गुना में है ना -5, ये कहाँ जाएगा बटे में, तो ये कट जाएगा ना, तो तुम्हारा आ जाएगा 50, क्या जाएगा, और ये एक आगे जुड़ जाएगा, तो यानी कितने पद हो गए टोटल, तो एन का वैल्यू हो गया टोटल 51 पद, लेकिन हमें तो क्या निकालना है, हमें 20वां पद निकालना है, तो यानी हमें A20 निकालना है, तो A20 का फॉर्मूला लगा दोगे ए प्लस एन माइनस 1d, तो ए का मान तुम्हें पता है 253, एन की जगह 20 घटा 1 और गुना डी का मान -5, तो 253 और ये देखो ये घटेगा तो 19 गुना -5, 19 × 95 होता है, तो 253 में से 95 घटा दो, आंसर आ गया 158, तो इतनी जल्दी आ गया ना, तो ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा है एक ठोस बेलन के आकार का है, कोई एक ठोस होता है ना सॉलिड, वो बेलन सिलेंडर के आकार का है, यानी ऐसे ऐसे बेलन के आकार का है, ठीक है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, ऊपर भी एक अर्धगोला है लगा हुआ और इधर भी क्या लगा हुआ है, यानी हेमिस्फीयर लगा हुआ है, और ठोस की कुल लंबाई है, ये जो पूरा ठोस है ना यहाँ से यहाँ तक कुल लंबाई 20 सेंटीमीटर है, कुल लंबाई कितना है, टोटल हाइट 20,
और बेलन का व्यास, ये व्यास होता है ये वाला, ये व्यास कितना दिया हुआ है, तो व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा आधा, तो 7/2, और 7/2 का मतलब 3.5 भाग दोगे ना 3.5, तो यानी अब बताओ सोचो, तो यहाँ से ये ऊंचाई कितनी होगी 3.5, यहाँ से ऊंचाई कितनी होगी, तो यहाँ से भी ऊंचाई कितनी होगी, तो अगर हम सिर्फ अर्धगोले की ऊंचाई कहें ना, देखो एक ऐसे अर्धगोला जो होता है ना, तो इसकी त्रिज्या जितनी होती है ना जैसे 3.5, तो यहाँ से इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी 3.5, तो इसीलिए इसकी इस अर्धगोले ने इतनी ऊंचाई छेक ली होगी 3.5, ऊपर से भी इसने छेक ली होगी ऊंचाई 3.5, तो हमें बेलन की ऊंचाई चाहिए, किसकी चाहिए, तो टोटल ऊंचाई कितनी है 20 है, अब 20 में से ये दो को घटा दे तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगा, नहीं समझे, तो हमें सिलेंडर की ऊंचाई चाहिए ना, तो हाइट चाहिए सिलेंडर की, तो क्या करोगे, टोटल 20 है ना, 20 में से ये दो चीजें रखी हुई ना, एक 3.5 इसने छेका हुआ है, तो यानी 3.5 कितना होता है 7, तो 7 घटा दो कितना जाएगा 13 सेंटीमीटर, आगे ना बेलन की ऊंचाई, इसे मैं लिखता हूँ बड़ा एच, ठीक है, तो लिखा हुआ था कि एक ठोस बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, ठोस की कुल लंबाई 20 सेंटीमीटर है तथा बेलन का व्यास 7 है, ठोस का कुल आयतन ज्ञात करो पाई का मान 2/7, हमें कुल आयतन निकालना है, तो ऐसा करेंगे बेलन का आयतन भी जोड़ लेंगे, अर्धगोले का ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, यानी दो अर्धगोले और एक बेलन का आयतन जोड़ देंगे, तो हमारा निकल जाएगा ठोस का आयतन, निकल जाएगा कि नहीं, तो आपको ज्ञात करना है ठोस का आयतन, यानी तो ज्ञात करना है, फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ ठोस, यानी सॉलिड, तो इस सॉलिड इज इन फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड्स, द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड और यूज पाई की वैल्यू 3.27। बहुत आसान है, हम क्या करेंगे, एक तो हम बेलन का आयतन निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और उसके अंदर हम जोड़ देंगे 2 × अर्ध गोले का आयतन, यानी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है ना, 2 × वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अर्ध गोले का आयतन, तो यानी इंग्लिश में लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और प्लस इसमें ऐड कर देंगे 2 × वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन हमें आना चाहिए पाई आर स्क्वायर एच, हमने ये बड़ा एच लिखा था ना इसीलिए, और 2 × अब देखो एक अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है 2/3 पाई, अब दोनों की रेडियस तो सेम होगी ना क्योंकि ये पूरा एक जैसा बना था, और दोनों में से ना क्या कॉमन लोगे पाई आर स्क्वायर कॉमन लोगे, तो एच प्लस क्या बचेगा 2×4/3 और एक आर बचेगा, यहाँ देखो यहाँ पे तो आर की पावर 2 है, यहाँ आप आर की पावर, तो कॉमन निकालोगे तो पावर 2 ही तो निकलेगी, तो एक पावर आर यहाँ बच जाएगी, और ये 2×4/3 ही बच जाएगा क्योंकि पाई तो पार चला गया, तो हमने पाई का मान रख देना है 22/7, आर का मान मैं क्या ले लूँ 3.5 ले लूँ, 3.5 × 3.5, और इसकी किसकी हाइट थी सिलेंडर की, तो सिलेंडर की पूरी हाइट 20 लूँ कि 13 लेंगे ना, और प्लस 4/3 और आर की वैल्यू 3.5, ठीक है ना, देखो ये 7 से कट जाएगा, 7×5 = 35, 0.5 0.5 को जब भी 22 से गुना करोगे 11 आएगा, तो 11×3.5 और 13 ये गुना करके ना बटे में 3 लिखा हुआ है, इसे गुना करो पहले, तो इसे गुना करोगे 14/3 हो जाएगा ये, सही है, इसे गुना करोगे ना जब दोनों को, तो ये गुना होकर जाएगा 38.5, क्या हो जाएगा 38.5, करके देखो 35 को 11 से गुना करोगे ना 385, और डेसिमल 1 के आगे था 1 के आगे, अब देखो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा 3 और 1 का एलसीएम 3, तो 3 पर गुना जाएगा, तो 13×3=39, 14, तो 39 और 14 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 39 और 14 जोड़ने पर आएगा 53, कितना आएगा 53, और बटे में 3, इसे गुना करके ना 3 से डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर सेंटीमीटर की क्यूब में आ जाएगा, ठीक है ना, तो आप कर लोगे ना इसको। यदि tan ब्रैकेट a प्लस बी बराबर 1 हो और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो, जहां 0° से बड़ा a का मान और प्लस b का मान है और 90 के बीच में है, यानी इनके बीच में है, और a का मान b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात करो, कह रहे मतलब आपको इसे सोल्व करना है और a और b का मान पता करना है डिग्री में, ठीक है ना,
तो इफ टेन ए इक्वल टू वन एंड टेन दिस इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री एंड आपका एंगल बोल रखा है कि जीरो 90 के बिटवीन में है और ए ग्रेटर देन बी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो एक बहुत सिंपल होता है क्वेश्चन, टेन ए प्लस बी का मान यहाँ पे वन लिखा है। अब तुम सोचो कि तुमने ना एक टेबल याद की थी ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब त्रिकोणमिति में, कि टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 0 का मान, टेन 45 का मान। तो ये एक किसका मान होता है, ये टेन 45 का मान होता है। तो ये टेन से ना ये टेन कट जाएगा, तो a प्लस बी का मान कितने डिग्री रहेगा, ये इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे दूसरा ले लोगे टेन a माइनस बी, ये कितना लिखा है, एक बटा रूट थ्री। अब सोचो ये एक बटा रूट थ्री टेन में किसका मान होता है, तो टेबल अगर आपको याद है तो याद ठीक है तो सही है, नहीं है तो इसे याद कर लेना। ये टेबल में देखोगे ना तो ये होता है टेन 30 का मान कितना, तो टेन से टेन हट जाएगा, तो ए माइनस बी का मान कितना जाएगा 30। ये इक्वेशन विलोपन विधि पढ़ी है ना, तो विलोपन विधि को एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से क्या होगा कि समीकरण एक और दो जोड़ेंगे तो बी कट जाएगा ना, तो समीकरण एक व दो जोड़ने पर इन्हें ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री को ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री से ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने पे ए और ए जुड़ के दो ए और ये कट जाएगा और ये बचेगा जुड़ के 75, और ए का मान निकालने के लिए 75 बटे दो, ये दो से काट दोगे ना तो दो किया छः, दो सत्तर 14.5 इतना आ जाएगा, ठीक है ना, ये डिग्री में आ जाएगा आंसर, समझे। अब ए का मान समीकरण यहाँ रख दो, ए का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रख दो अब, तो ए प्लस बी बराबर 45 था ना, तो ए का मान आया 37.5 डिग्री सेल्सियस, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 45 में से 37.5 माइनस करना है, देखो 45.0 में से 37.5 माइनस करना है, इधर से हासिल लो 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बचेगा तुम्हारा 4, इधर से हासिल लो 14 में 7 गया 7 और 0, तो 7.5 डिग्री आ जाएगा आंसर, समझे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 7.5 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। देखो किसी समांतर श्रेणी के प्रथम तीन संख्याओं का योग 18 है, यानी कोई एपी है ना उसके पहले तीन टर्म को जोड़ोगे ना A1, A2, A3, तो उनको जोड़ने पर 18 है। यदि पहले और तीसरे पद का गुणनफल सार्वंतर का 5 गुना है, यानी अगर हम पहले वाले और तीसरे वाले टर्म को गुना कर दें तो वो किसके बराबर है, जो सार्वंतर होता है ना डी, उसका कितने गुने के बराबर है, 5 गुने के बराबर है। तो तीनों संख्याओं को ज्ञात करो, द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री नंबर इन एन एपी इज 80, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 5 टाइम द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द थ्री नंबर। तो कैसे करेंगे, लेट कर लेंगे कि लेट द फर्स्ट थ्री नंबर या टर्म बी, पहला टर्म मान लेंगे a माइनस डी, दूसरे को a और तीसरे को a प्लस डी मान लेंगे, समझे। a1, a2, a3 है ना, हम उसको ऐसे मान लेंगे a माइनस डी फिर a और a प्लस डी। ये स्पेशल टाइप का एक एपी होता है, इससे हमारा क्वेश्चन फटाफट हो जाता है, नहीं तो टाइम लग जाएगा बहुत। तो हम लिख देंगे कि माना प्रथम तीन संख्याएं या पद निम्न है, ठीक है, तो कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो अब हमें प्रश्न अनुसार क्या कहा था उसके अनुसार काम करते हैं। उसने कहा था कि इन तीनों का जोड़ 18 है, बोला था ना, देखो किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम तीन संख्याओं का योग 18 है, द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री नंबर इज ऑफ एन एपी 80, इनको जोड़ दूं तो ए माइनस डी को एड करूं इससे और इसको एड करूं तो यानी इन तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 18। अब जैसे हमने जो माइनस डी और ये प्लस डी कट जाएगा तो ए ए ए जुड़ के कितना जाएगा, बराबर 18, और तीन के पारे से कट जाएगा 3 6 18, तो क्या जाएगा ए का मान 6। देखो इतनी जल्दी ए का मान 6 मिल जाता है। उसके बाद उसने एक चीज और कहा था कि अगर हम पहले पद को दूसरे और तीसरे पद से गुना करें ना तो वो सर्वांतर का कितना गुना है, तो 5 गुना है, 5 टाइम्स का, ठीक है। तो पहला पद हमने क्या लिया था a माइनस डी, और हमने तीसरा पद क्या लिया था a प्लस डी, तो ये आ जाएगा d गुना 5, यही बोला था ना। तो इसको इसका फॉर्मूला जानते हैं, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो a स्क्वायर माइनस
पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो डी गुना पांच। तो देखो ए का मान हमें छह पता चला था ना, तो छह का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर बराबर पांच डी हो जाएगा ना, गुना होकर छत्तीस। ये माइनस का डी स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का डी स्क्वायर। इसको ऑर्डर पेयर में लिखोगे तो डी स्क्वायर पहले, पांच डी बाद में और बराबर छत्तीस इस तरफ लिख सकते हो। समझ में आ गया था? तो अब ये ना प्लस का छत्तीस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का छत्तीस। अब ये तुम्हारा बन गया द्विघात समीकरण, क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको तुम्हें ना सोल्व करना आना चाहिए। तो ये हो गया डी स्क्वायर, ये हो गया प्लस पांच डी और माइनस छत्तीस। इसको हम ऐसे फैक्टर करते हैं, छत्तीस एकम छत्तीस डी स्क्वायर, और छत्तीस कैल्सियम करो कि पांच आ जाए। तो हमने पढ़ा होगा कि नौ चौक छत्तीस होता है, बोलो नौ चौक क्या होता है, नाइन फोर थर्टी सिक्स होता है। और मुझे प्लस का पांच चाहिए तो नौ में से मुझे क्या माइनस करना चाहिए, तो अगर नौ में से चार घटाओगे तो प्लस का पांच दिया जाएगा, और इसे गुना करोगे ना तो नौ चौक माइनस छत्तीस डी स्क्वायर आएगा। दोनों शर्तें पूरी होगी ना, दो शर्तें होती है कि इन्हें जोड़ोगे या घटाओगे तो बीच वाला आ जाए, तो अभी तो जोड़ने पे आ रहा है। और इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों के मल्टीप्लाई और इन दोनों के मल्टीप्लाई ये आने चाहिए बराबर। तो देखो नोट जो 36 माइनस भी आ रहा है, प्लस माइनस माइनस, और डी डी गुना और डी का, और ये भी गुना कर रहे थे ना तो ये भी आया था। तो अब ये पीछे वाला लिख दो माइनस 36 और ये आगे लिख दो डी का। अब यहाँ से कॉमन ले लो डी, तो डी प्लस नौ बचेगा, यहाँ से माइनस चार कॉमन लोगे तो डी प्लस नौ बचेगा। छत्तीस को मैं नौ क्यों लिख दिया, तो छत्तीस था ना तो नौ क्यों लिखा, क्योंकि चार कॉमन लिया है चार, और ये नो डी प्लस नो, ये भी डी प्लस नो, तो क्या लिखूंगा डी प्लस, और ये बाहर क्या है डी माइनस फोर, तो अब दो हिस्से हो जाएगा, एक बार डी प्लस का नो इक्वल टू जीरो और एक डी माइनस का चार इक्वल टू, तो डी के लू माइनस नो और डी के लू प्लस का। अब डी का मान पता चल गया, ए का मान हमें पता चल चुका था, ए का मान कितना आया याद है, छह आया था, हाँ छह आया था, तो ए छह आया था, छह आया था। हमें तो तीन पद निकालने थे ना, ए माइनस डी और फिर ए प्लस डी, ऐसे निकालना था ना तीन पद, ए माइनस डी फिर ए और ए प्लस डी, यही माने थे ना तीन पद। तो ए का मान कितना आया, छे, और घटा डी का मान कितना आया, माइनस नौ, फिर कोमा ए का मान छे, फिर आया छे प्लस डी का मान माइनस नौ, तो छे माने माइनस प्लस नौ हो जाएगा ना, और ये प्लस माइनस माइनस नौ, तो छे नौ पंद्रह छ, और ये घटेगा तो माइनस तीन, बन गया ना एपी। तो ये हमारा एपी में तीन पद आ गया, पहला दूसरा और। अब ये कर लो, ए का मान छ, डी का मान चार आया था, ए का मान छ डी का मान चार आया था, समझे ना, ए की जगह छह लिख दिया, डी की जगह चार लिख दिया, ए की जगह छह लिख दिया, ए की जगह छह, डी की जगह चार, तो छह में से चार गया दो, छह और जुड़े गया दस, तो हमारा दो दो एपी आंसर आ रहा है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो खत्म होता है। आपको कैसा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको कैसे समझ में आया।